रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से रांची रेलवे स्टेशन पे आयोजित कार्यक्रम के दौरान किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन रहे। साथ ही उन्होंने बच्चों से बात की और कहा कि हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री जी की एक ही सोच है, विकास। उनका लक्ष्य है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। इसी कड़ी में उनके द्वारा झारखंड से एक और वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे समाज के प्रत्येक वर्ग यथा युवा, महिला एवं उद्यमी सभी लाभान्वित होंगे। वहीं राज्यपाल महोदय ने यह भी कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भारत की प्रगति और उसके रेलवे बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह उल्लेखनीय ट्रेन भारतीय रेलवे में नवाचार, दक्षता और उत्कृष्टता का प्रतीक है। In spite of our differences, we all must work together for the development of Jharkhand. And today I really thank our Modi ji for giving the second Vande Bharat, which is connecting the port city of West Bengal. Since Jharkhand has no seashore, so we don't have the port, that this port city connection will give enormous opportunity for the entrepreneurs of our Jharkhand to develop their export business, to develop their business domestically also. With these words, I congratulate the Northeastern Railway for giving such a wonderful facility for Ranchi in the future, as well as understanding the need of the trains. And I further appeal to them, soon we should have the third Vande Bharat for Jharkhand. With these words, I conclude my speech. Dhanyavaad. Jai Hind. Jai Bharat. Jai Jharkhand.